हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू प्लैनेट गेट बाय अनअकैडमी। दिस इज रेहान अहमद। एक बार प्लीज सब लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता देना मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सेशन स्टार्ट करने में लेट हो गया। आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पर शेड्यूल था 15 मिनट लेट। मैंने यहाँ पर 2 बजे का शेड्यूल रखा था, बट थोड़ा सा यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा, उसकी वजह से मैं 15 मिनट लेट हो गया यहाँ पर। शेड्यूल में यहाँ पर 2:15 दिया हुआ था टाइम इंस्टेड ऑफ 2 PM। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर दिया था कि 2:15 में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। यहाँ पर आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, है ना। बोल्ट्स को हम यहाँ पर कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कल मैंने पूरा बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज हम यहाँ पर उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो प्लीज यहाँ पर सब लोग ना सेशन को शेयर कर दो बहुत अच्छे लेवल पे। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करना रहेगा, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। प्लीज एक बार सेशन को सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे लेवल पे सब लोग यहाँ पर शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे आप यहाँ पे शेयर कर दो। आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा पढ़ने में। लेकिन अगर व्यूज वगैरह कम को दिखने में मिलेगा तो उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज का लेक्चर में बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊं, तो प्लीज यहाँ पे सब लोग अच्छे से यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे भी यहाँ पर नए जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज रेहान अहमद, आई एम फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। रफली मुझे यहाँ पर 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और गेट और अदर लेवल एग्जाम्स मैंने पहले से क्लियर किए हुए हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इसको मैं डील करता हूँ, और प्लैनेट गेट में ये सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर आप लोग के साथ डील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये मेरा कोड है रेहान10, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन मोड में अगर जाना चाहते हो तो वहां पर आप लोग ये वाला कोड को यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट आपको वहां पर 10% डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा, और भी जो भी अवेलेबल ऑफर्स होंगे वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या क्या आपके पास यहाँ पर फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो प्लस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, ठीक है, अगर बात डाउट सॉल्विंग सेशंस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, इंग्लिश या हिंदी, आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ना, यहाँ पर हर चीज आपको यहाँ पर फैसिलिटीज आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आइकॉनिक के बारे में बात करूँ तो आइकॉनिक में यहाँ पर पर्सनल कोच आपको यहाँ पर असाइन किया जाएगा, आपको यहाँ स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहेंगे उसके लिए डेडिकेटेड आपके पास यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर मौजूद रहेगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, और जो भी आप टेस्ट वगैरह देंगे उसकी पर्सनल लेवल पर एनालिसिस होगी। स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे यहाँ पर, स्टडी प्लानर सेशंस होंगे, तो काफी अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस के जितने भी फीचर्स है साथ ही साथ आप यहाँ पर आइकॉनिक के जितने एक्स्ट्रा फीचर्स है ये आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर सुन लीजिए प्राइस प्लान जनरली क्या होता है हमारे पास। प्राइस प्लान की अगर बात करूँ तो प्लस का हमारे पास दिस इज द प्राइस प्लान फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ठीक है, आप इसको चाहो तो नो कॉस्ट EMI में भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हो, और ये मेरा कोड है, आपको इंस्टेंट वहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेहान10 कोड अगर आप वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं आइकॉनिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो आइकॉनिक में आपके पास डिफरेंट आपके पास ड्यूरेशन का आपके पास कोर्स है। अगर आप मान लीजिए अभी सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, आप प्लान कर रहे हो कि मैं आगे जाके मैं यहाँ पर अभी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कुछ 2-3 साल या फिर 1-2 साल या फिर नेक्स्ट ईयर अगर प्लान करूं गेट देने का, तो यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स वाले प्लान में आप यहाँ पर जा सकते हो। अगर आप लोगों को पहले से काफी अच्छे से नॉलेज है सब्जेक्ट्स वगैरह की, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 12 मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो कॉस्ट EMI में आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप एक साथ अगर फीस नहीं पे करना चाहे तो। ठीक है, और रेहान10 मेरा कोड है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, कि अभी ऑफर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ये कब तक चलेगा आपके पास, ये चलेगा आपके पास 15th of October तक। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करते हैं, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको वहां पर एडिशनल आपको वहां पर 4 मंथ्स आपको वहां पर फ्री मिलेगा। ठीक है, गेट और ESC के लिए 12 मंथ्स का अगर आप वहां पर परचेस करेंगे तो आपको वहां पर एडिशनल आपको वहां पर 4 मंथ्स का क्या मिलेगा, वहां पर आपको फ्री आपको वहां पर मिलेगा। तो सब लोग अगर अभी भी नहीं लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर परचेस करके आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये ऑफर्स का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को बता दूं यहाँ पर आपके पास अनअकैडमी यहाँ पर कॉम्बैट होने वाला है कब, अगर बात करूं 17th of October को। ठीक है, अभी यहाँ पर 11th को हुआ था आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा 10th को हुआ था आई गेस, है ना, 10th को कॉम्बैट हुआ था, नेक्स्ट होगा यहाँ पर 17th of October को मॉर्निंग में 11 AM। मतलब अगर आप देखोगे तो डे मतलब हर हफ्ते संडे को यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास
टेस्ट होता है कॉम्बैट का, तो अगर आप लोग न्यू है अभी तक आप लोग एनरोल नहीं किए तो यू कैन एनरोल फॉर दैट, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा कोड है Rehan10, इसको आप लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग द कॉम्बैट, ठीक है। करेंटली अभी ये सारी बैचेस चल रही है, आरोहन बैच चल रहा है जिसमें FM और एनवायरमेंट चल रहा है, अगर मैं बात करूँ वर्क बैच में तो उसमें जियोटेक और फ्लूइड मैकेनिक्स देखने को मिल रहा है बाय प्रकाश सर एंड देवेंद्र सर। और स्पेशल क्लास में सब लोग मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, स्पेशल क्लास में सब लोग फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अभी करेंटली हम स्पेशल क्लास में स्ट्रक्चर एनालिसिस का जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े उसकी रिविजन भी हम वहाँ पर कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसी सेशन के नीचे पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर मेरी प्रोफाइल की हमारे पास लिंक होगी, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कब कब आपके पास क्लास मैं वहां पर प्लान करूंगा, तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो कल के सेशन में है ना, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लास्ट सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने आपको बेसिक्स बताया था, किसके बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताया था, बोल्टेड या फिर नॉर्मल कनेक्शन, बोल्ट हमने वहां पर स्टार्ट किया था। तो बोल्टेड कनेक्शन में हमने वहां पर सारी चीजें हमने वहां पर बात की थी, बेसिक बेसिक है ना, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पर पिच किसको बोलते हैं, ठीक है, एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, वहां पर गेज हम वहां पर किसको बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था और भी जितनी भी बेसिक चीजें होती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मेनली क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बोल्टेड कनेक्शन में मेनली हमारे पास जो स्ट्रेसेस जो आते हैं वो कौन से स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, हमें मेनली हमें हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेसेस सॉरी बियरिंग स्ट्रेसेस देखने को मिलता है। और अगर सेकंड अगर बात करूं तो यहां पर हमें शेयरिंग स्ट्रेसेस यहां पर हमें देखने को मिलता है। आज के सेशन में क्या बात करेंगे, हम आज के सेशन में थोड़ा सा लंबा रहेगा सेशन, मैं आज यहां पर डिस्कस करूंगा आपके पास कि यहां पर हम डिजाइनिंग पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, हम यहां पर डिजाइनिंग पैरामीटर्स मतलब फॉर्मुलेस क्या है, और उसके बाद हम यहां पर सेकंड हाफ में हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चंस को हम यहां पर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वोल्टेज कनेक्शन के क्वेश्चंस को हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसके बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो मैंने जब आपको बियरिंग टाइप बोल्ट्स के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था बियरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस वहां पर डेवलप होते हैं। एक और टाइप जब मैंने आपको फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स के बारे में बताया था तब मैंने बोला था कि वहां पर हमारे पास टेंशन भी वहां पर आता है बोल्ट में, ठीक है, बोल्ट में हमारे पास टेंशनिंग भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, ये वाले जो दो स्ट्रेस जो है ये क्या है हमारे पास, ये प्रीडोमिनेटिंग स्ट्रेस है, ये हमारे पास प्रीडोमिनेटिंग स्ट्रेस है बोल्टेड के, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर टेंशनिंग में सेफ रहता है बोल्ट, लेकिन आपके पास बियरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस में क्या रहता है हमारे पास वहां पर क्रिटिकल रहता है, तो हम इसके लिए ज्यादा चेक करते हैं कंपैरेटिवली विद कनेक्शन सॉरी टेंशनिंग। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बियरिंग और शेयरिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर स्ट्रेसेस को हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर बात किया था। सेकंड मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सेकंड मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, ठीक है, मतलब मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पर ASB, ठीक है, ANB, पिच, ठीक है, आपके पास गेज ई, आपके पास D0D, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता है, जितने भी टर्म्स के बारे में बात कर रहा था मैंने बेसिक, वो सबके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग से पूछ रहा हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जॉइंट्स के बारे में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दो प्लेट्स को अगर मैं जॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि ये दो प्लेट्स हैं, इनको अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से टाइप ऑफ जॉइंट्स में मैं ये दो प्लेट को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इन जॉइंट्स के नाम पता है क्या आप लोग को, कौन कौन से टाइप के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, इसका नाम आप लोग को पता है क्या, बस मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप लोग का बेसिक यहाँ पर क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये दो प्लेट है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज प्लेट प्लेट वन, और इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज प्लेट टू। मैं बोल रहा हूँ अगर ये दो प्लेट को अगर मैं बोल्ट के थ्रू अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कैसे टाइप के मैं जॉइंट्स में यहाँ पर बना सकता हूँ, कैसे टाइप के मैं यहाँ पर जॉइंट्स बना सकता हूँ, कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है क्या, वेरी गुड, है ना। तो एक होता है हमारे पास, पहला एक होता है हमारे पास कौन सा, पहला होता है हमारे पास लैप जॉइंट, ठीक है, पहला होता है हमारे पास कौन सा, हमारे पास होता है लैप जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, वेरी गुड परफेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास बट जॉइंट,
ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास बट जॉइंट। तो यहाँ पर लैप और बट जॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो प्लेट्स को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में पता ही होगा आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर लैप जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकेस अगर मैं यहाँ पर लैप जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लैप जॉइंट हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा ना अभी मैं यहाँ पर, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा, एक एक चीज के बारे में मैं यहाँ पर आप लोग को काफी अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा ठीक है। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की जो टॉपिक है, जो कल क्या था हमारे पास, जो लास्ट जो लेक्चर था हमारे पास, वहां पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, वो भी चीज बताना इंपॉर्टेंट होती है ना, बेसिक चीजें बताना भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर उसको बेसिक पता ही नहीं है पी क्या होता है, ई क्या होता है, जी क्या होता है, तो आगे फर्दर जाना तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज द लैप जॉइंट है ना, ये क्या हमारे पास, दिस इज द लैप जॉइंट। हम क्या करेंगे यहाँ पर लैप जॉइंट में, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वजह से हम यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे, हम यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन क्या किया हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, एक रफ टाइप का बना रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा उसमें मत जाना कि सर यहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन क्या है, शैंक पोर्शन क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मत जाना। तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर शियरिंग प्लेन कितने होंगे, कितनी जगह से इस बोल्ट में शियर आ सकता है, शियरिंग प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं, तो यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा आपको। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास ये प्लेट, अगर मान लीजिए ये पी है और ये हमारे पास पी है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, मैंने बोला था कि यहां पर आपके पास बियरिंग फोर्स लगेगी, यहां पर आपके पास बियरिंग फोर्स लगेगी, मतलब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जाने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट तरफ है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास ये लेफ्ट तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास लेफ्ट तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन क्या होगा हमारे पास राइट तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर शेयरिंग प्लेन कितनी बनेगी, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, आप बोलोगे सर शेयरिंग प्लेन ये वाली है, शेयरिंग प्लेन कौन सी हमारे पास, ये वाली, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ एक यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वेरी गुड है ना, परफेक्ट ठीक है। देखो और भी टाइप के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, आप एकदम सही बोल रहे हो यहाँ पर ठीक है, आपके पास वी जॉइंट होता है, यू जॉइंट होता है, जे जॉइंट होता है, बट मैं इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के बारे में बात करूं तो डिजाइनिंग जनरली आपके पास स्लैब और बट जॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर आपके पास और भी होता है, फिलेट जॉइंट्स के बारे में बात करूं, वेल्डिंग में होगा वो सब ठीक है, वो सब हमारे पास वेल्डिंग्स में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोल्ट्स के बारे में बात करूं, इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर लैप और बट जॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिजाइनिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शियर प्लेन्स कितने हमारे पास, ये हमारे पास वन ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बट जॉइंट के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बट जॉइंट के बारे में बात करूं तो बट जॉइंट उसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो ये भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है हमारे पास सिंगल कवर बट जॉइंट, एक होता है हमारे पास सिंगल कवर बट जॉइंट, दूसरा होता है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट, दूसरा होता है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं सिंगल कवर बट जॉइंट अगर मैं बनाया यहां पर ठीक है, अगर मैं यहां पर सिंगल कवर बट जॉइंट अगर मैं यहां पर बना रहा हूं ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारे पास, कैसे बनेगा कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक कवर प्लेट लगा देंगे ये दोनों मेन प्लेट को के ऊपर ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस आर द मेन प्लेट्स, इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कवर प्लेट यूज किया इसके ऊपर, ये क्या हमारे पास, दिस इज द कवर प्लेट, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ये क्या हमारे पास दिस आर द बोल्ट्स मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया ठीक है। अब क्या हो सकता है हमारे पास, अब यहां पर क्या हो सकता है, अब अगर मैं अभी भी बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास ये हमारे पास फोर्स इधर से इधर लग रही है, तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स अब भी कितने होंगे हमारे पास, यहां पर एक ही देखने को मिलेगा, कौन सा, ये वाला नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स अभी भी हमारे पास कितने होंगे, यहां पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अभी भी हमारे पास कितनी होगी, यहां पर वन होगी, और वो मैं आपको यहां पर शो करके बताया ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं सेकेंड वाला, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट अगर है ठीक है, अगर हमारे पास कैसा है यहां पर डबल कवर हमारे पास बट जॉइंट है, यहां पर पहले दो मिनट बस समझ लीजिए, उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी फिर।
ठीक है, बहुत अच्छे लेवल में आप लोग को सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर डबल कवर बट जॉइंट लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कवर प्लेट्स लगा रहा हूँ ऊपर और नीचे। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कवर प्लेट्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, I'm sorry, ठीक। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पर दोनों जगह क्या किया, मैंने यहाँ पर कवर प्लेट्स मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर कवर प्लेट्स मैंने यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोल्टेड कनेक्शन से मैं क्या किया, ये दोनों को मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ये दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अब मैं यहाँ पर इस वे से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब क्या होगा हमारे पास, जो शियरिंग प्लेन जो डेवलप होगा हमारे पास, जो हमारे पास शियरिंग प्लेन जो डेवलप होगा वो यहां से, दिस इज द फर्स्ट हमारे पास शियरिंग प्लेन है, और यहां से अगर बात करूं दिस विल बी द सेकेंड शियरिंग प्लेन, है ना। तो यहां पर हम अगर बात करेंगे दो जगह से क्या हो सकता है, यहाँ पर शियर आ सकता है। ठीक है, शियर फेलियर आपके पास यहाँ पर दो जगह से आपको देखने को मिल सकता है, बस डबल कवर बट ज्वाइंट पे। ठीक है, दिस इज डबल कवर बट ज्वाइंट, दिस इज द डबल कवर बट ज्वाइंट। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कवर प्लेट्स जो है हमारे पास, ठीक है, दिस आर द कवर प्लेट्स, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द बॉटम कवर प्लेट, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज द टॉप कवर प्लेट्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम में ये सारी चीजों में, बेसिक चीजों में मैं यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूं, रादर देन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों में आप लोग का ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन्स के बारे में आप लोग को यहाँ पर सारी चीज क्लियर है क्या, किसी कोई डाउट है क्या, एक बार मेरे को बता दीजिए। ठीक है, आप लोग मेरे को यहाँ पर किसी कुछ भी डाउट है तो एक बार मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आपके पास, सर अभी आपने जो बताया लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में ये चीज हमें यहाँ पर नहीं समझ में आई, अगर आप लोग को किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मेरे से अभी पूछ लीजिए। लैप और ना लैप और लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट आप सभी लोग को क्लियर है ना, यहाँ पर क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है, सभी लोग को आइडिया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अपन मेन चीज में, डिजाइनिंग में अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार प्लीज यहाँ पर सब लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कि सबको यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में आइडिया है ना, लैप जॉइंट और बट जॉइंट के बारे में, कि यहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझाऊं। ठीक है, चलो तो सब बोल रहे हैं यहाँ पर क्लियर है। अपन यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो क्या है हमारे पास, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दैट इज द स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बाय IS 800 2007, बाय IS 800 2007। इसके बेस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे कि हम बोल्ट की हम यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इसको हम बोल्ट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोल्ट वैल्यू भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर हमें दो चीज के बारे में, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालना है, पहला हमारे पास है शियर और दूसरा हमारे पास है बियरिंग, है ना। शियरिंग और बियरिंग दोनों स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, किसकी, बोल्ट की। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करें, किसी को आइडिया है क्या, यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को आइडिया है क्या, यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, या फिर आप यहीं पर लिख सकते हो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ, तो कोई मुझे बता सकता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं VDSB से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VDSB से। डी क्या है हमारे पास, ये बोल रहे हैं हमारे पास डी इज द डिजाइन। ठीक है, डिजाइन वी क्या हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एस क्या मतलब डिजाइन, दिस इज द स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस क्या हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ, और बी क्या हमारे पास, दिस इज फॉर बोल्ट, है ना। तो VDSB का मतलब क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये होता है हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ये पहले बोलेगा हमारे पास जो भी हमारे पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ होगी बोल्ट की, डिजाइन के बारे में बात करते हैं ना,
तो जो भी हमारे पास नॉमिनल हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, शेयर स्ट्रेंथ होगी बोल्ट की, उसको मैं क्या कर लूंगा यहां पर, मैं यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर लूंगा, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैं क्या कर लूंगा यहां पर, मैं डिवाइड कर लूंगा। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि VDSB, जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग RCC पढ़ते हो, ठीक है, RCC पढ़ते हो, तो हम हमेशा RCC में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में बात करता हूं, तो आप हमेशा कितना बोलते हैं, वो होता है हमारे पास 0.87 FY। ये कहां से आता है हमारे पास, ये कुछ नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास FY की, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील ले लेते हैं, कितना है वो, दैट इज 1.15। वो कितना हो जाता है हमारे पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास स्टील के लिए लेते हैं हम, कितना हो जाता है 1.15। मतलब ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट गामा MS आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है हमारे पास, दिस इज द स्टील का हमारे पास पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और ये हमारे पास स्टील का क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ है। तो हमेशा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, जो भी हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो भी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी शेयर के लिए, वो कितना होगा हमारे पास, जो एक्चुअल या फिर जो नॉमिनल हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ है बोल्ट का, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे, और गामा MB की वैल्यू अकॉर्डिंग टू हमारे पास IS 800 2007 फॉर बोल्ट, ये कितनी होती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1.25 के बराबर। ये होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1.25 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें VDSB निकालने के लिए हमें यहाँ पर VNSB हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। व्हाट इज VNSB? VNSB इज नथिंग बट नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। VNSB क्या हमारे पास, इट इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर VNSB अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, VNSB, देखो ये क्या हमारे पास, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये क्या हमारे पास, दिस इज नथिंग बट फोर्स है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज नथिंग बट फोर्स। तो हमें अगर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मैं अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट परमिसिबल स्ट्रेस, है ना, इट इज नथिंग बट परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर बोल्ट की, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट में आप लोग यहाँ पर मुझे बताते जाओगे। मतलब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा आपके दिमाग के अंदर तक। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर, शियर के लिए हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस कितना होना चाहिए, या फिर परमिसिबल अभी छोड़ दो, परमिसिबल अभी आप यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि परमिसिबल के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी गामा MB हमने ले लिया है। चलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्ट्रेस इन शियर ही अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया, स्ट्रेस इन शियर ही अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया, इनटू एरिया हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं VNSB के लिए। तो VNSB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शियर के लिए हमारे पास शियर स्ट्रेस, हम यहाँ पर अगर बात करूंगा शियर के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेस कितना ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू FUB बाय √3। अब आप बोलोगे सर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो टाउ से होता है, टाउ से नहीं होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं FUB के बारे में बात करूँ, तो ये हमारे पास जो प्लेट्स जो है, हमारे पास जो प्लेट्स जो हम जो जोड़ है, चाहे वो ऐसी प्लेट्स हो या फिर चाहे वो ऐसी प्लेट्स हो, हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स कैसी लगा रहे हैं, हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये टेंशन के कारण शेयरिंग कितना डेवलप होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर शेयर फोर्स नहीं लगा रहे, मैं बोल रहा हूँ टेंशन के कारण आपके पास वहां पर शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा ड्यू टू टेंशन। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द अल्टीमेट स्ट्रेस इन टेंशन डिवाइड बाय √3। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, कोई मेरे को बता सकता है ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, कोई मुझे यहां पर बता सकता है क्या, ये वाली वैल्यू हमारे पास कहां से हमें देखने को मिलेगी कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस जो होगा वो हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो भी रहेगा डिवाइड बाय √3 अगर मैं कर लिया, तो वो हमें यहां पर कहां से देखने को मिलेगा, कोई मुझे रिलेट करके बता सकता है क्या कि ये कहां पर हमें देखने को मिलती है। स्ट्रेस इन शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये हमें FUB बाय √3 अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कोई मुझे बता सकता है ये वाली वैल्यू कैसे आई। आप सॉम में थ्योरी ऑफ फेलियर्स आप पढ़े हैं क्या, सॉम में आप थ्योरी ऑफ फेलियर्स अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप वहां पर सॉम में थ्योरी ऑफ फेलियर्स अगर आप पढ़े होंगे, तो वहां पर आप जाके चेक करिएगा कि हमारे पास जो भी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, जो भी हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है हमारे पास 0.57 इनटू कितना होता है हमारे पास, दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ,
एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आप थ्योरी ऑफ फेलियर्स में अगर आप जाके पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट 0.57 इनटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी है हमारे पास डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय रूट थ्री। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर नंबर ऑफ थ्योरीज आपके पास रहेगी अलग अलग हमारे पास, जैसे हमारे पास रैंकाइंस थ्योरी है हमारे पास, ठीक है, गेस्ट और ड्रेस्का हमारे पास थ्योरी है, ठीक है, वॉन माइसिस थ्योरी है, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग वहां पर थ्योरीज है। वहां पर आप जाके चेक करिएगा तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस जो होता है हमारे पास, ठीक है, मतलब शेयर स्ट्रेंथ की अगर बात करो तो वो होता है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय रूट थ्री, या फिर हम उसको बोलते हैं 0.57 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस इन शेयर की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू 0.7 या फिर डिवाइड बाय रूट थ्री के बराबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इंटू अगर मैं एरिया के बारे में अगर बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया अकॉर्डिंग टू आई एस 800/2007 की अगर बात करूं तो एरिया होगा हमारे पास एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी के बराबर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये कोड ने दिया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कोड ने दे के रखा है आई एस 800/2007 से। अगर आप मैं बात करूं यहां पर तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ प्लेन्स है। ठीक है, वहां पर आपके पास जो प्लेन्स जो आ रहे हैं हमारे पास शेयरिंग में वो कितने नंबर ऑफ प्लेन है, वन है कि टू है कि जितने भी है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ प्लेन्स है। और दूसरी चीज यहां पर डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ प्लेन्स जो है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हमारे पास जो शेयरिंग प्लेन मैंने यहां पर जो बनाया था, है ना, ये जो हमारे पास ये जो शेयरिंग प्लेन मैंने जो बनाया था कि जो बोल्ट को जो जिस रीजन से काट रहे, बोल्ट जिस रीजन से हमारे पास कट रहा है वो रीजन थ्रेडेड पोर्शन में आ रहा है कि वो वाला रीजन हमारे पास शैंक पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, बोल्ट हमारे पास जिस रीजन से हमारे पास कट रहा है वो हमारे पास शेयरिंग प्लेन थ्रेडेड पोर्शन में आ रहा है कि हमारे पास शैंक पोर्शन में आ रहा है, उस पर भी यहां पर क्या करते हैं हमारे पास डिपेंड करता है। तो इसलिए कोड ने यहां पर क्या बताया, मैंने आपको एएनबी और एएसबी की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले ही मैंने आपको समझा दिया था कि एएनबी क्या होता है हमारे पास, एएनबी इज नथिंग बट, एएनबी क्या हमारे पास, इट इज नथिंग बट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिया इन थ्रेडेड पोर्शन आपके पास में बात करूं तो वो है। ठीक है, एएसबी क्या हमारे पास, दिस इज नथिंग बट एरिया किसमें हमारे पास, जो शैंक पोर्शन जो है, ठीक है, शैंक पोर्शन जो है उसमें अगर हमारे पास शेयरिंग देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर एएसबी। ठीक है, तो वी एन एस बी के बारे में बात कर रहा हूं अगर, तो वी एन एस बी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, वो आपको कुछ इस वे से आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आपको यहां पर कुछ इस वे से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां पर पुट कर दिया, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां पर पुट कर दिया, मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर, अगर मैं यहां पर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वी एन एस बी का वैल्यू कितना था हमारे पास, एफ यू बी बाय रूट थ्री, एफ यू बी बाय रूट थ्री इन टू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी, और गामा एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये मैंने डिनोमिनेटर में यहां पर मैंने पुट कर दिया, ये मैं यहां पर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हूं, मैं यहां पर पुट कर दिया हूं। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो यहां पर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप यहां पर लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, वी डी एस बी इक्वल्स टू एफ यू बी अपॉन रूट थ्री गामा एम बी इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी के बराबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सब लोग बताइए कि यहां पर ये चीज समझ में आई क्या, और अगर समझ में आएगी तो एक बार प्लीज सेशन को सब लोग यहां पर शेयर कर दो, मैं चाहता हूं यहां पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल में यहां पर कनेक्ट हो पाए। आपको ये चीज समझ में आई क्या, यहां पर जो मैंने यहां पर बताया है, सबको यहां पर ये चीज समझ में आई क्या, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप यहां पर सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं सबसे पहले एफ यू बी के बारे में बात कर रहा हूं, तो एफ यू बी क्या हमारे पास, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पर नेक्स्ट के हमारे पास गामा एमबी के बारे में बात कर रहा हूं, देखिए हमारे पास दिस इज पार्शियल
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट कितना होगा? ये होगा हमारे पास 1.25 के बराबर, ये होगा हमारे पास 1.25 के बराबर। अगर मैं n n के बारे में बात करूं, ठीक है, ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन्स पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट। अगर मैं यहां पर एन एस के बारे में बात करूं तो ये क्या हमारे पास, दिस इज नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू शैंक ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अगर मैं एन एन और एन एस के बारे में बात करूं तो एन एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन्स, ठीक है, शेयरिंग प्लेन्स पासिंग थ्रू द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट। इसके बारे में और डिटेल में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, नहीं तो फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लेट सपोज कि हमारे पास ये क्या हमारे पास, मैं बोल रहा हूं कि ये लैप ज्वाइंट है, ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज द लैप ज्वाइंट। ठीक है, अगर एन एन और एन एस समझ नहीं आ रहा तो यहां पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या है, लैप ज्वाइंट है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लगाया, मैंने यहाँ पर बोल्ट लगाया, ठीक है, एक ही बोल्ट, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। शेयर प्लेन कहाँ पर आएगा, शेयरिंग कहाँ पर आएगी, आप लोग की शेयरिंग आएगी यहाँ पर इस बोल्ट में, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, शेयरिंग कहाँ पर देखने को मिलेगा आपके पास, यहाँ से आपका बोल्ट शेयरिंग में क्या हो सकता है, हमारे पास फेल हो सकता है। ये जो बोल्ट है हमारे पास, अगर वो कटेगा तो कहां से कटेगा हमारे पास, बिकॉज प्लेट में फोर्स लग रही है इस वे से, हमारे पास प्लेट में फोर्स लग रही है इस वे से, तो ये वाला बोल्ट ऊपर वाला लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और नीचे वाला राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो शेयरिंग कहां पर आ सकती है हमारे पास, शेयरिंग आ सकती है हमारे पास यहां से, है ना, बीच से हमारे पास क्या हो सकती है, यहां पर शेयरिंग आ सकती है। अब मैं बोल रहा हूं एन एन और एन एस अगर समझ में नहीं आ रहे तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास जो शेयरिंग जो आई है, हमें देखना पड़ेगा कि जहां से बोल्ट कटा है, मतलब कौन सा रीजन, मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो रीजन है जहां से बोल्ट कटा है, जहां से हमारे पास शेयरिंग प्लेन अगर हुआ है, मैं बोल रहा हूँ वो रीजन हमारे पास ये बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन के अंदर आता है कि शैंक वाले पोर्शन के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेडेड पोर्शन के अंदर आता है कि शैंक वाले पोर्शन के अंदर आता है। मान लीजिए हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर हमारे पास ये जो बोल्ट जो था, मान लीजिए मैं यहां पर बोल रहा हूँ कि ये बोल्ट कहां पर आ रहा है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि ये इस वे से, मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास बोल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोल्ट है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो शेयरिंग जो आ रही है, वो शेयरिंग आ रही है हमारे पास इस वे से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि शेयरिंग कहाँ से आ रही है हमारे पास, इस वे से हमारे पास शेयरिंग आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रीजन जो है हमारे पास, ये वाला जो रीजन है, ये कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये थ्रेडेड रीजन से आ रहा है। थ्रेडेड रीजन से आ रहा है मतलब एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1, क्योंकि एक शेयरिंग प्लेन है वो कहां से आ रहा है हमारे पास, थ्रेडेड पोर्शन से आ रहा है, और शैंक से कोई भी हमारे पास रीजन पास हो रहा है कि हमारे पास शेयरिंग प्लेन नहीं आ रहा, तो यहां पर एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 0। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 0। तो हम यहां पर चेक करेंगे एन एन और एन एस क्या है हमारे पास, इट इज नथिंग बट जो भी हमारे पास शेयर प्लेन्स होगा वो कहां से पास कर रहा है, अगर वो थ्रेडेड पोर्शन अगर पास कर रहा है, ठीक है, इन केस अगर वो कहां से पास कर रहा है हमारे पास, अगर वो थ्रेडेड पोर्शन अगर पास कर रहा है हमारा शेयरिंग प्लेन, तो मैं लिखूंगा यहां पर, चेक करूंगा कितने नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, तो वो एन एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारा शेयरिंग प्लेन कहां से पास हो रहा है, शैंक ऑफ द बोल्ट से पास हो रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे जो कि शैंक से पास हो रहे होंगे, वो एन एस की वैल्यू वहां पर देखने को मिल जाएगी। समझ में आया, एन एन और एन एस की मीनिंग आप लोग को समझ में आई क्या, सब लोग को मेरे को यहां पर बताइएगा, सब लोग यहां पर मुझे बताएंगे कि एन एन और एन एस की वैल्यू आप लोगों को यहां पर समझ में आई क्या। कमेंट करके बताओ मेरे को, यहां तक क्लियर है सबको, नहीं क्लियर है?
सबको यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई चीज रिपीट करनी है तो मेरे को यहां पर बता दो, NN और NS आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने, अगर मैं आपसे बात किया तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला हमने यहां पर शेयरिंग स्ट्रेंथ, हमने यहां पर डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमने यहां पर देख लिया, डिजाइन। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि थ्रेडेड पोर्शन में है या शैंक पोर्शन में? मैं बताऊंगा, क्वेश्चन अपन जब करेंगे ना तो वहां पर अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। ठीक है, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमने अभी यहां पर पता किया, किसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एक और बार मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, VDSB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू FUB बाय रूट 3 गामा MB इनटू NN ANB प्लस NS ASB, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब यहां पर क्या करिएगा, यहां पर एक और चीज आप यहां पर ऐड कर दीजिएगा, दैट इज योर रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात करूं तो हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास रिडक्शन फैक्टर्स, ठीक है? अगर मैं रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास तीन टाइप के यहां पर क्या है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर्स है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला रिडक्शन फैक्टर है हमारे पास बीटा एल जे इंटू, है ना, इंटू। सेकेंड हमारे पास रिडक्शन फैक्टर है बीटा एल जी इंटू। थर्ड हमारे पास जो रिडक्शन फैक्टर है दैट इज योर बीटा पी के, है ना? थर्ड क्या हमारे पास, दैट इज योर रिडक्शन फैक्टर बीटा पी के। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास जो वैल्यू होगी डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ की, हमारे पास जो फाइनल जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू, फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ यू बी अपॉन रूट थ्री इंटू गामा एम बी इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी इंटू, ये क्या हमारे पास, दिस आर द रिडक्शन फैक्टर्स। ये क्या हमारे पास, आप यहां पर लिखेंगे, ये क्या हमारे पास, दिस आर द रिडक्शन फैक्टर्स, है ना? ये क्या हमारे पास, दिस आर द रिडक्शन फैक्टर्स। ठीक, अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिडक्शन फैक्टर्स ये सारे क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर सबसे पहला वाला रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात करूं, वो क्या हमारे पास, दैट इज बीटा एल जे। ये होता है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ज्वाइंट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एल जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, लॉन्ग ज्वाइंट को हमारे पास क्या कर रहा है यहां पर, हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके कारण यहां पर कुछ रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा, किसके किसके लिए, हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ के लिए। सेकेंड अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सेकेंड क्या हमारे पास, दैट इज बीटा एल जी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास है फॉर लॉन्ग ग्रिप के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, फॉर लॉन्ग ग्रिप के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, वो क्या हमारे पास, दैट इज रिडक्शन फैक्टर बीटा एल जी। एल जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, एल जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर लॉन्ग ग्रिप को। थर्ड अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूं, थर्ड क्या हमारे पास, दैट इज बीटा पी के हमारे पास, इट इज द रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट। ठीक है, बीटा पी के, यहां पर पी के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, ये हमारे पास पैकिंग प्लेट को यहां पर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों के कारण क्या होगा हमारे पास, ये तीनों के कारण हमें यहां पर रिडक्शन फैक्टर्स, रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा किसमें, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ में। अब आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है, अब यहां पर बोलोगे सर कि यहां पर हमें कैसे, यहां पर हमें देखने को मिलेगा रिडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा एक एक करके, उसके बारे में यहां पर एक एक करके यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस क्या करते हैं, यहां पर मैं बात करता हूं आपसे, यहां पर हमारे पास है लैप जॉइंट। ठीक है, यहां पर अगर मैं सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं किसके बारे में, यहां पर मैं बात करूं आपसे लैप जॉइंट के बारे में आपसे बात करूं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे लैप जॉइंट। ठीक है, देखो ये हमारे पास, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं यहां पर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको तीनों की वैल्यू आपको निकालना पड़े, कभी कभी हो सकता है यहां पर कोई एक वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो, हमें फॉर्मूले से नहीं निकालना हो, रिडक्शन फैक्टर का हमारे पास या तो नहीं गिवन होगा, अगर गिवन भी होगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की कोशिश करेगा, सिंपल वे में यहां पर ये बता देगा। ठीक है, कि बीटा एलजे की वैल्यू इतनी है, बीटा एलजी की वैल्यू कितनी है, बीटा पीके की वैल्यू कितनी है, नहीं तो अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं, वीडीएसबी कितना हमारे पास,
एफ यू बी अपॉन रूट थ्री गामा एन बी, ये क्या हमारे पास, दिस इज द परमिसिबल, ये क्या हमारे पास, दिस इज द परमिसिबल, देखो ये क्या फोर्स, वीडीएस भी क्या हमारे पास स्ट्रेंथ मतलब फोर्स, ये क्या हमारे पास दिस इज द स्ट्रेस, ये क्या हमारे पास दिस इज द स्ट्रेस, और ये क्या हमारे पास दिस इज द एरिया, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, कौन सा स्ट्रेस है ये, दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द परमिसिबल, हमारे पास ये स्ट्रेस है, ठीक है, परमिसिबल हमारे पास ये स्ट्रेस है, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द एरिया, बस हमने इसके बारे में यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर हमने समझा, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, और ये सब क्या है हमारे पास, दिस आर द रिडक्शन फैक्टर्स, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ क्या यहाँ पर, मैं लैप जॉइंट के बारे में आपसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ आपसे लैप जॉइंट के बारे में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहां पर कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं, क्या डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। प्लीज सब लोग यहाँ पर फॉर्मूले को नोट डाउन करिएगा, फिर उसके बाद बहुत अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर इसके आगे समझेंगे। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास दिस इज द लैप जॉइंट, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या लगा हमारे पास, यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन, ये क्या हमारे पास, दिस आर द बोल्टेड, क्या हमारे पास, दिस आर द बोल्टेड कनेक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस आर द बोल्टेड कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, डायग्राम में मत जाइएगा, डायग्राम एकदम मैं अप टू डेट नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, बट फिर भी ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग रही होगी, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है वी डी एस बी की वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर वी डी एस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वी डी एस बी की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वी डी एस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। वी डी एस बी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, एफ यू बी अपॉन रूट थ्री इंटू गामा एम बी इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी इंटू रिडक्शन फैक्टर, जो भी होगा मैं इसके बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। अभी मान लीजिए रिडक्शन फैक्टर कुछ नहीं है, अभी मान लीजिए रिडक्शन फैक्टर हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो देखो एफ यू बी तो आप निकाल लोगे, एफ यू बी कैसे निकालना है हमारे पास, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर क्लास, अगर मैं बोल रहा हूँ क्लास हमारे पास लेट सपोज 6.6 है हमारे पास, बोल्ट का हमारे पास क्लास कौन सा है 6.6, तो आप मेरे को बता सकते हो एफ यू बी की वैल्यू कितनी होगी, क्या कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है कि एफ ऑफ यू बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अगर मैं क्लास 6.6 बोल रहा हूँ अगर मैं बोल्ट का, तो f ऑफ यू बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, f यू बी की वैल्यू यहां पर कितनी देखने को मिलेगी, अगर हमारे पास मैंने यहां पर पुट कर दिया क्लास 6.6 अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो f यू बी की वैल्यू कितनी होगी, कोई मेरे को बता सकता है क्या, कितना हो जाएगा, परफेक्ट, f यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 600 मेगापास्कल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 600 मेगापास्कल के बराबर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो एफ यू बी मैंने निकालना आप लोगों को बताया था, एफ यू बी मैंने निकालना बताया था, रूट थ्री आपको पता है, गामा एम बी की वैल्यू कितनी 1.25, गामा एम बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, गामा एम बी अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.25। तो ये सारे टर्म हमारे पास कंप्लीट, ये सारे टर्म हमारे पास क्या हो गए यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर एन एन और एन एस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एन एन और एन एस के बारे में बात करते हैं। तो मेरे को यहाँ पर बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर शेयरिंग कहाँ पर आ रही है हमारे पास, इस जगह पे आ रही है, शेयरिंग कहाँ पर आ रही है हमारे पास, इस जगह पे देखने को मिल रही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर प्लेन अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर प्लेन एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। बट ये 1 की जो वैल्यू आ रही है, क्या मैं इसको एन एन लू कि क्या मैं इसको एन एस लू, ये 1 को मैं यहां पर एन एन लूंगा कंसिडर करूंगा कि मैं यहां पर एन एस को कंसिडर करूंगा, तो आपको यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, सिंस हमारे पास एक ही शेयर प्लेन आ रहा है यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस जो कनेक्शन जो है हमारे पास लैब ज्वाइंट यहां पर आप देख रहे हो, तो हमारे पास शेयरिंग प्लेन सिर्फ एक आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ये एक वैल्यू किसकी होगी, एन एन की होगी कि एन एस की होगी,
ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये एन एन की होगी कि एन एस की होगी, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे मुझे? वैल्यू हम यहाँ पर किसकी लेंगे, एन एन की लेंगे कि एन एस की लेंगे? देखो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ही आ रहा है ना तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर एन एन की वैल्यू को आप वन ले लेना और एन एस की वैल्यू को आप यहाँ पर जीरो ले लेना, ठीक है? आप यहाँ पर नहीं नहीं अगर दोनों को अगर आप वन वन ले लिया, अगर आपने दोनों को अगर आपने वन वन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल यहाँ पर दो शेयरिंग प्लेन आ रहे हैं, टोटल यहाँ पर हमारे पास दो शेयरिंग प्लेन आ रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप यहाँ पर वन ले सकते हो, आप दोनों में से अगर दोनों को अगर आप वन वन ले लोगे तो आपको इसका मतलब ये बताना चाह रहे हो कि यहाँ पर दो शेयरिंग प्लेन आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास थ्रेडेड पोर्शन में, एक आ रहा है हमारे पास शैंक पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर दो नहीं आ रहा हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है शेयरिंग प्लेन। तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जो एक जो आ रहा है ना आप उसको ऐसा कंसिडर करना कि ये एन एन की वैल्यू, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो शेयरिंग प्लेन जो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसको आप ऐसा अज्यूम करिए कि आपके बोल्ट के आपके थ्रेडेड पोर्शन से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पास कर रहा है, ठीक है? आप ये ऐसा अज्यूम करिएगा कि हमारे पास ये शेयरिंग प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, हमारे पास ये पास हो रहा है हमारे पास बोल्ट के थ्रेडेड पोर्शन से। क्यों एन एन को ही हमने यहाँ पर वन क्यों माना, एन एस को हमने यहाँ पर वन क्यों नहीं माना? अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ए एन बी और ए एस बी के साथ, तो ए एन बी और ए एस बी में से कौन बड़ा है? वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी, ये वाली आएगी कि ये वाली आएगी? ए एन बी और ए एस बी में हमारे पास कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ये दोनों के बीच में? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, कौन सा यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर हमारे पास ए एन बी और ए एस बी में हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए एन बी और ए एस बी में हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो मैंने आप लोग को बताया था ए एस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास, दिस इज पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ए एन बी के बारे में बात करूं तो ये मैंने बोला था दिस इज 0.7 इंटू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है? ये था हमारे पास 0.78 इंटू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूँ ए एन बी हमारे पास छोटा है, ए एन बी क्या हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ ए एन बी इज लेस देन ए एस बी। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी को जीरो बनाना ही है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल्स टू एफ ऑफ यू बी अपॉन रूट 3 गामा एम बी इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। अगर मुझे यहाँ पर किसी को अगर जीरो बनाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एन एन को जीरो बोल दूंगा, ठीक है, एन एस को वन बोलूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, या फिर मैं एन एस को जीरो बोलूंगा और एन एन को यहाँ पर मैं वन बोलूंगा। मतलब जिसको भी मैं जीरो बोला उसके बाद वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हमेशा मैं एन एन को मैं यहाँ पर चूज करूंगा और एन एस को जीरो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ए एन बी की वैल्यू कम है हमारे पास, ए एन बी की वैल्यू कम है, मतलब ये कितनी है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0.78 इंटू ए एस बी। ए एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0.78 इंटू ए एस बी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आए वो उसको मैं अंडर एस्टिमेट करूँ, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आए वो उसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं अंडर एस्टिमेट करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन एन को अगर मैं वन ले रहा हूँ तो वी डी एस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 100, ठीक है? और अगर मैं एन एस को अगर मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ या फिर मैं एन एन को अगर मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ तो वी डी एस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ मैं हमेशा 80 वाली वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर करूंगा। क्यों कंसिडर करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है उसको मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करूँ, ठीक है? उसको मैं हमेशा अंडर वैल्यू क्या रखूं, मैं उसको उस वैल्यू को मैं कंसिडर करूं, उसको मैं कभी भी ओवर वैल्यू में वहां पर उसको कंसिडर ना करूं। तो इसलिए मैं यहां पर एन एन की वैल्यू को मैंने यहां पर 1 रखा है, एन एस की वैल्यू को मैंने यहां पर कितना रखा है, मैंने 0 रखा है, ठीक है? एन एन को मैंने यहां पर 1 रखा और एन एस को मैंने यहां पर कितना रखा है, मैंने एन एस की वैल्यू को मैंने यहां पर 0 पुट किया हूं। समझ में आया आप लोग को कि नहीं समझ में आया, यहां पर आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारे पास एन एस, हमारे पास जो ए एन बी जो है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर ए एन बी की जो वैल्यू है हमारे पास, ए एन बी की वैल्यू यहाँ पर छोटी है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वी डी एस बी की वैल्यू भी यहाँ पर कम आएगी। तो इसलिए हमारे पास ये ज्यादा हमारे पास क्या है, फेवरेबल हमारे पास कंडीशन है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है कि हम यहाँ पर किसको सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर एन एन की वैल्यू को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो छोटी वैल्यू देगा।
तो यहाँ पर वी डी एस बी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एन एन की वैल्यू कितनी हमारे पास वन है ना, ए एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ यू बी अपॉन रूट 3 इंटू गामा एम बी, एफ ऑफ यू बी अपॉन रूट 3 इंटू गामा एम बी, ये क्या हमारे पास, दिस इज द वैल्यू, ये आ गया हमारे पास दिस इज द वैल्यू। समझ में आया सबको यहां पर, यहां पर इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट यहां पर सबको समझ में आया क्या, इस फॉर्मूले का अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये जो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, ये सबको समझ में आया क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये फॉर्मूले का सब फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास समझ में आया क्या सबको, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे को बताइएगा, यहां पर मैं यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पर हमारे पास डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट, 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, ऑफ ग्रेड हमारे पास 4.6 फॉर अ लैप जॉइंट मैं यहां पर बोल रहा हूं 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर अ लैप जॉइंट ऑफ मेन प्लेट्स ऑफ 14 mm थिक ऑफ ग्रेड FE410, ठीक है, ऑफ ग्रेड FE410। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे को यहां पर बताइएगा डिटरमाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा यहां पर, ठीक है। मैं यहां पर बोल रहा हूं डिटरमाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यहां पर कितना होगा, डिटरमाइन डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको कितना देखने को मिलेगा। ये आप लोग मुझे यहां पर सॉल्व करके बताएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपके पास यहां पर कितना देखने को मिलेगा। हमारे पास 20 mm डायमीटर का बोल्ट है, ग्रेड कितना है उसका 4.6, लैप जॉइंट है हमारे पास, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है हमारे पास 14 mm, और ग्रेड कितना है हमारे पास प्लेट का, वो है हमारे पास FE410। हमारे पास ग्रेड कितना है हमारे पास, ये हमारे पास FE410, प्लेट का हमारे पास ग्रेड है FE410। तो यहां पर मेरे को बताएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यहां पर आपको कितना देखने को मिलेगा, आप यहां पर बताइएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको यहां पर कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करिए और मेरे को बताइएगा यहां पर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको यहां पर कितना देखने को मिल रहा है। सॉल्व करके बताइएगा यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है। कितनी आ रही है यहां पर वैल्यू, कितना आ रहा है, शिवम का आंसर आ रहा है 45.26 किलोन्यूटन, बाकी लोगों को कितना आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर कितना आ रहा है। चलिए VDSB यहां पर अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे यहां पर VDSB निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू
अगर मुझे VDS भी यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू बी अपॉन, बेबिल का आंसर भी सेम आ रहा है, अपॉन रूट थ्री इंटू गामा एम बी इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी, है ना, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एफ ऑफ यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एफ ऑफ यू बी के हमारे पास अगर ग्रेड हमारे पास 4.6 है, अगर ग्रेड हमारे पास 4.6 सॉरी क्लास हमारे पास 4.6 है, तो एफ ऑफ यू बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 400 एमपीए, और एफ ऑफ वाई बी कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 0.6 इनटू 400, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 0.6 इनटू 400 आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब ये कितना, दिस विल बी 240, ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको देखने को 240। तो यहां पर हमारे पास एफ ऑफ यू बी के बारे में बात करूं, देखो जाएगा हमारे पास दिस विल बी 400 बाय रूट 3 इंटू गामा एम बी की वैल्यू कितनी बताया मैंने, ये बताया मैंने 1.25, ये बताया मैंने यहां पर 1.25। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं लैप जॉइंट है, तो लैप जॉइंट में शियर प्लेन कितने आएंगे हमारे पास, शियर प्लेन हमारे पास कितना आएगा, एक ही आएगा, और मैं किसको यहां पर मैं लूंगा, मैं उसको एन एन की वैल्यू मैंने यहां पर बोला कितना, एन एन की वैल्यू मैंने यहां पर बोला एन एन विल बी इक्वल्स टू 1, और एन एस कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि लैप जॉइंट में शेयरिंग प्लेन कितने आएंगे हमारे पास, एक ही शेयरिंग प्लेन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, और वो शेयरिंग प्लेन हम किसको यहां पर अज्यूम करेंगे, एन एन को हम यहां पर अज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि ए एन बी की वैल्यू वहां पर कम आती है, तो इसलिए मैं वहां पर चाह रहा हूं कि ए एन बी को मैं वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दूं, ताकि मेरी स्ट्रेंथ की वैल्यू वहां पर हम क्या करें, अंडर एस्टिमेट करें, ठीक है, रैदर देन ओवर एस्टिमेटिंग वी आर एस्टिमेटिंग इट एज एन, हम यहां पर कम वैल्यू हम उसको एस्टिमेट करेंगे। तो यहां पर एन एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, एन एन की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू ए एन बी की वैल्यू कितनी, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर कितना हमारे पास 20 का स्क्वायर, प्लस एन एस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो इसको सॉल्व करके मेरे को आप बताएंगे न्यूटन में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 10^-3 कर लीजिएगा, तो वहां पर किलो न्यूटन में कितना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, किलो न्यूटन में आपको वहां पर कितना वैल्यू आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में यहां पर मुझे बता दीजिएगा सब लोग। कितना आ रहा है सबका, वैल्यू कितनी आ रही हमारे पास, 45.26, कितना है इसका आंसर, वीडीएसबी का वैल्यू है हमारे पास 45.26 इज द राइट आंसर, ठीक है, 45.26 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं अब यहां पर, अब बात करते हैं यहां पर रिडक्शन फैक्टर्स की, ठीक है, मैंने आप लोगों को यहां पर बात किया था किसके बारे में, मैंने यहां पर रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया था। तो अगर मैं यहां पर रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर डिस्कस क्या किया, अगर मैं यहां पर रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला जो हमारे पास रिडक्शन फैक्टर है वो क्या हमारे पास, ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट, ड्यू टू क्या हमारे पास, ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट। तो मैं यहां पर बात करूं ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट के बारे में, अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं आपसे, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमारे पास ये रिडक्शन फैक्टर हमें कब यूज करना है, ये सारी चीज हमारे पास ये कोड के अकॉर्डिंग है ना, ये सारी चीज यहां पर आपके पास कोड के अकॉर्डिंग है, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग यहां पर हमें देखने को मिलेगा, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर हमें कितना हमें यहां पर यूज करना है। अगर मैं लॉन्ग जॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर बीटा एल जे के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, तो ये बोला है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1.075 माइनस एल जे अपॉन, ये होता है हमारे पास 200 डी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो है हमारे पास ये कोड ने देके रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इतने से हमें क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूस करना है, जो भी हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आएगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करना मतलब इसकी वैल्यू इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, हम ये लॉन्ग जॉइंट के लिए कब रिडक्शन फैक्टर यूज करेंगे, जब हमारे पास लॉन्ग जॉइंट की वैल्यू हमारे पास इट विल बी ग्रेटर देन 15 डी होगा, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर बीटा एल जे की वैल्यू हम वहां पर यूज करेंगे। अब बीटा एल जे बेसिकली होता है क्या, उसके बारे में यहां पर मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर आपके पास लैप जॉइंट, ठीक है, मैं यहां पर बोल रहा हूं दिस इज योर लैप जॉइंट,
ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूँ आपने यहां पर क्या किया, यहां पर बहुत सारे आपने यहां पर, ये तो लैब ज्वाइन छोड़ो, मान लीजिए हमारे पास एक गजट प्लेट है, गजट प्लेट समझते हो आप लोग, एक बार गजट प्लेट ना आप लोग गूगल करिएगा, एक बार गजट प्लेट आप लोग यहाँ पर गूगल करिएगा, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा गजट प्लेट हम यहाँ पर किसको बोलते हैं, गजट प्लेट हम यहाँ पर किसको बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये वो वाला मेंबर होते हैं जहां से बहुत सारी मेंबर्स क्या होती है हमारे पास, अलग अलग मेंबर्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला मेंबर है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग मेंबर को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास एक गजट प्लेट है, और यहां से मैंने क्या किया, इस गजट प्लेट से मैं यहाँ पर एक और प्लेट को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, इस गजट प्लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और प्लेट को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को जोड़ने के लिए, ये गजट प्लेट और ये वाली प्लेट को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे मैंने बोल्ट्स लगाए हैं, इस गजट प्लेट को और ये वाली प्लेट को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर बोल्ट लगाए, ठीक है, मैंने यहाँ पर काफी सारे मैंने यहाँ पर बोल्ट लगाए, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा और अगर मैं बड़ा बना दूं इन केस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लेट सपोज मैंने यहाँ पर काफी सारे मैंने यहाँ पर क्या किए, मैंने बोल्ट लगाए। एल जे बेसिकली क्या है हमारे पास, एल जे इज नथिंग बट फर्स्ट हमारे पास जो जॉइंट है, जो हमारे पास फर्स्ट जो बोल्ट है और लास्ट वाला जो बोल्ट है, इनके बीच की हमारे पास जो वैल्यू है, इनके बीच का हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो जॉइंट है हमारे पास, जो बोल्ट है इनके बीच की हमारे पास जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर एल जे, है ना। वो क्या हमारे पास, दिस इज, ये क्या हमारे पास, दिस इज नथिंग बट एल जे। वट इज एल जे, एल जे हमारे पास है लेंथ ऑफ द ज्वाइंट। लेंथ ऑफ द ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द ज्वाइंट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द ज्वाइंट हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बोल्ट टू द वेरी लास्ट बोल्ट, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द ज्वाइंट। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ समझिएगा यहाँ पर चीज, यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये मेंबर को मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, और यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये मेंबर में यहाँ पर क्या करूं, मैं अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सबसे ज्यादा जो लोड लेगा हमारे पास कौन सा बोल्ट आएगा, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा जो हमारे पास लोड लेगा वो कौन सा लोड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो बोल्ट में अगर मैं बात करूं जो लोड ट्रांसफर होगा, या फिर अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस बोल्ट में आएगा ड्यू टू दिस लोड, और इस लोड के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस में आएगा हमारे पास, यहां पर हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ए वाला बोल्ट जो है हमारे पास, जो एंड के जो बोल्ट हैं यहां पर, सिंस बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लोड्स, तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो स्ट्रेसेस जो आएंगे हमारे पास, वो एंड के हमारे पास देखने को मिलेंगे, क्या यहां पर हमें देखने को मिलेंगे स्ट्रेसेस हमारे पास, सबसे ज्यादा एंड के बोल्ट में यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि हमारे पास ये जो एंड के जो बोल्ट है हमारे पास, यहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा आ रही है ये दोनों एंड के बोल्ट्स में, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही हमारे पास ये वाले बोल्ट के, अगर मैं नेक्स्ट वाले के बारे में बात करूं, तो इसमें उतना स्ट्रेस नहीं आएगा जितना स्ट्रेस ये वाले बोल्ट में आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास अगर मैं ये वाले बोल्ट के बारे में बात किया, नेक्स्ट अगर मैं इसमें जा रहा हूं सेकेंड वाले पे, तो इसमें उतना स्ट्रेस नहीं आएगा जितना स्ट्रेस इसमें आ रहा था, ठीक है, उतना स्ट्रेस नहीं आएगा जितना स्ट्रेस फर्स्ट वाले में आ रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेकंड वाले में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली विद फर्स्ट वन। थर्ड के बारे में बात करूं, तो इसमें बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा आपके पास कम देखने को मिलेगा। तो हमारे जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वो हमारे पास कुछ इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आपको यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर इस वजह से देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, आपको यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ द ज्वाइंट काफी ज्यादा है, तो जो बीच के जो हमारे पास बोल्ट होंगे उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा क्या होगा, हमारे पास कम वहां पर स्ट्रेस आएंगे कंपैरेटिवली विद एंड वाले हमारे पास बोल्ट में। तो सिंस यहाँ पर हमारे पास जितना हमारे पास कम बोल्ट हमारे पास लेंथ ऑफ द ज्वाइंट, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेंथ ऑफ द ज्वाइंट, अगर मान लीजिए हमारे पास कम रहा तब हम यहाँ पर रिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन सिंस लेंथ ऑफ द ज्वाइंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एंड के बोल्ट में जितना स्ट्रेस आएगा, बीच के बोल्ट कुछ स्ट्रेसेस वहां पर बहुत ही ज्यादा कम आएगा कंपैरेटिवली विद द एंड्स, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा स्ट्रेस का। स्ट्रेस का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ द ज्वाइंट क्या हो रही है, हमारे पास बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर
रिडक्शन फैक्टर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और रिडक्शन फैक्टर यहाँ पर कितना देके रखा है कोड ने, ये देख रखा है हमारे पास 1.075 माइनस एलजी अपॉन 200 डी, ठीक है, अपॉन 200 डी आपको यहाँ पर देके रखा है। मतलब अगर एलजी की वैल्यू अगर आप 15 डी अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो हमारे पास बीटा एलजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास 1 के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 1 के बराबर। अगर इससे ज्यादा हुआ एलजी की वैल्यू तो आप यहाँ पर बीटा एलजी को आप यहाँ पर क्या, इससे कम अगर हुआ एलजी की वैल्यू अगर 15 डी से कम हुई, 10 डी, 9 डी, 8 डी कुछ भी हुआ तो यहाँ पर रिडक्शन हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हुई तो वहां पर हमें रिडक्शन फैक्टर का हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर हमें रिडक्शन फैक्टर का यूज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर इफेक्ट हमें यहाँ पर इसका देखना पड़ेगा। तो समझ में आया कि हमारे पास जितना ज्यादा हमारे पास लेंथ ऑफ द जॉइंट होगा उतना ही ज्यादा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बोल्ट्स में वो कैसा होगा, हमारे पास वो नॉन यूनिफॉर्म हमें वहां पर देखने को मिलेगा, और जितना ही कम हमारे पास लेंथ ऑफ द जॉइंट होगा उतना ही ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी कि हर एक हमारे पास बोल्ट जो है वो समवेयर और दी अदर आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, स्ट्रेस वहां पर झेल रहा है। लेकिन अगर लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज्यादा हुआ तो एंड के जो बोल्ट हमारे पास वो एंड के बोल्ट वहां पर क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रेसेस ले रहे कंपैरेटिवली जो बीच वाले जो हमारे पास बोल्ट्स हैं, ठीक है, बीच वाले हमारे पास जो बोल्ट्स हैं उससे काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं हमारे पास एंड के बोल्ट्स वहां पर स्ट्रेसेस कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों सबको, आपके पास लॉन्ग जॉइंट की मीनिंग आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा, किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए एक बार। ये बीटा यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला एक बार पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन जनरली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में आप देखना वहां पर आपके पास हो सकता है बीटा की वैल्यू पहले से दे के रखी हो, बीटा की वैल्यू पहले से दे के रखी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आया आप लोग को, किसी को रिपीट करना है किसी के लिए, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, रिडक्शन फैक्टर के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अगर मैं रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर नेक्स्ट टाइप का रिडक्शन फैक्टर के बारे में अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो उसके बारे में हम यहां पर समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का हमारे पास रिडक्शन फैक्टर कौन सा है, सेकेंड टाइप का अगर मैं रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात किया तो वो है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग ग्रिप के बारे में बात किया था, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग ग्रिप के बारे में बात किया था। ये हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तीनों में हमारे पास कंपैरेटिवली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ग्रिप हमारे पास क्या है यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहां पर समझिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यहां पर अच्छे से समझाने की। अब मैं बोल रहा हूं जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट को मुझे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करूं मैं, लैप ज्वाइंट के थ्रू मैं यहां पर इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये दो प्लेट को मैं यहां पर लैप जॉइंट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं ज्वाइन कर रहा हूं। मैं बोला हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास बोल्ट है, ये क्या हमारे पास बोल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास मैं बोल रहा हूं दिस इज अ बोल्ट। अब मैं बोल रहा हूं ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रिप, ग्रिप मतलब ग्रिप कौन बना रहा है, ये बोल्ट ही बना रहा है, ये क्या हमारे पास दिस इज द एल जी, एल जी मतलब लेंथ ऑफ ग्रिप मतलब ये दोनों को होल्ड करके कौन रखा है हमारे पास, ये बोल्ट होल्ड करके रखा है। तो जितना ज्यादा हमारे पास बोल्ट की लेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास उतना ही ज्यादा यहाँ पर आपको एलजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर एलजी की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं यहाँ पर एलजी की वैल्यू कम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात किया, अगर मैंने यहाँ पर बात किया कि हमारे पास सेकेंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या हमारे पास ये आ गया हमारे पास एक और टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ पर दो क्या हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स है, ये क्या यहाँ पर दो हमारे पास प्लेट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन मैंने यहाँ पर फिट किया, मैंने यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन क्या किया मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, दिस इज द बोल्टेड कनेक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है, इस प्लेट में क्या हो रहा है हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास फोर्स, मैं बोल रहा हूँ दिस इज पी और ये भी क्या हमारे पास दिस इज ऑल्सो पी। अब हमारे पास शेयरिंग कहाँ से हो रही है, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर, शेयरिंग हमारे पास कहाँ से हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ शेयरिंग हमारे पास इस जगह से हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पर सेकेंड वाले केस में आप देखिएगा लेंथ ऑफ द ग्रिप क्या हो गया यहाँ पर बढ़ गया, सेकेंड केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ द ग्रिप क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास बढ़ गया, अब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर आ गया।
अब जैसे जैसे लेंथ ऑफ द ग्रिप बढ़ रहा है होगा क्या, यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, हमें रिडक्शन क्यों करना है वहां पर, उसके बारे में यहाँ पर समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ द ग्रिप यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग जो आ रही है। अब यहां पर हमारे पास इस जगह पे जो शेयर आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, तो यहां पर पहले मैंने क्या बताया था, मैंने पहले बोला था सिर्फ बियरिंग के कारण फेलियर आ रहा है, सिर्फ बियरिंग के कारण फेलियर आ रहा है और शेयरिंग के कारण आपके पास फेलियर आता है। ठीक है, पहले केस में मैंने क्या बताया था, मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को क्या बोला है कि मैंने बोला है कि यहां पर सिर्फ बियरिंग और शेयरिंग के कारण क्या हो रहा है, यहां पर हमें फेलियर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहां पर, अब अगर मैं इस शेयरिंग प्लेन के बारे में बात करूं, अब यहां पर हमारे पास ये क्या, हमारे पास दिस इज द शेयरिंग प्लेन, ये क्या हमारे पास शेयरिंग प्लेन। अगर मैं इधर के बारे में बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा, अगर हमारे पास इस प्लेन पे है ना, इस प्लेन पे अगर मैं यहां पर मोमेंट लिया, शेयरिंग प्लेन में यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे पास आप देखिए जो यहां से आपके पास कुछ एसेंट्रिसिटी बन रही है, हमारे पास ऊपर वाले हमारे पास फोर्स की कुछ एसेंट्रिसिटी बन रही है। सिमिलरली यहां से भी अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारे पास कुछ एसेंट्रिसिटी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं अगर इस फोर्स को अगर मैं यहां पर शेयरिंग प्लेन में अगर मैं ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस फोर्स को अगर मैं इस शेयरिंग प्लेन में अगर मैं यहां पर ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूं, तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो फोर्स जो है हमारे पास, ये शेयरिंग प्लेन पे हमारे पास ये जो प्लेन है हमारे पास, यहां पर अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये फोर्स हमारे पास इस वे से हमारे पास मोमेंट भी लगाएगा, कितना, पी इंटू ई का, और ये वाला फोर्स इस प्लेन पे क्या करेगा हमारे पास, यहां पर अगेन हमारे पास एक और मोमेंट लगा देगा, है ना, कुछ एसेंट्रिसिटी आ रही है यहां पर ई का, यहां पर भी हमारे पास कुछ एसेंट्रिसिटी आ रही है हमारे पास ई का। तो अगर मैं इस प्लेन के बारे में बात करूं तो इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहां पर मोमेंट डेवलप हो रहा है, और यहां पर भी इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, यहां पर डेवलप हो रहा है इस सेक्शन पे, है ना, जो हमारे पास जो शेयरिंग प्लेन है वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रही है, हमारे पास डेवलप हो रही है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या होगा, यहां पर डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या होगा, ड्यू टू एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होगा, यहां पर डेवलप हो रहा था। मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, पहले हमारे पास मैं बोल रहा था बोल्ट फेल हो रहा है सिर्फ किससे, बियरिंग के कारण और शेयरिंग के कारण फेल हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो बोल्ट में हमारे पास एक्स्ट्रा यहां पर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या हो रही है, यहां पर डेवलप हो रही है, एक्स्ट्रा हमारे पास यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रिप लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर ग्रिप लेंथ ज्यादा हुआ, अगर हमारे पास ये ग्रिप लेंथ ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा ग्रिप लेंथ उतना ही ज्यादा एसेंट्रिसिटी, जितनी ज्यादा ग्रिप लेंथ उतनी ज्यादा एसेंट्रिसिटी, जितनी ज्यादा एसेंट्रिसिटी उतने ही ज्यादा बेंडिंग मोमेंट, और जितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास, बेंडिंग स्ट्रेस भी वहां पर डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या होगा, यहां पर हमारे पास डेवलप होगा। मतलब मैं यहां पर बोल रहा था कि पहले हमारे पास सिर्फ बियरिंग के कारण और यहां पर बियरिंग के कारण और यहां पर शेयरिंग के कारण फेलियर आ रहा था, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ड्यू टू ग्रिप लेंथ के कारण यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस भी यहां पर डेवलप हो रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या हो रहे हैं, यहां पर डेवलप हो रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं कि पहले अगर मान लीजिए ये दोनों को कंसिडर अगर मैंने किया बियरिंग और शेयरिंग में, तो मेरा मेरे पास जो वैल्यू आया वी का, है ना, शेयर स्ट्रेंथ आया कितना, 100 का। तो क्या ये 100 को मैं कंसिडर कर लूंगा क्या? नहीं, मुझे इस 100 को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहां पर मैंने बेंडिंग स्ट्रेस को मैंने अकाउंट किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ बियरिंग और शेयरिंग को मैंने यहां पर अकाउंट किया था। सिंस यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है, तो ये 100 को रिड्यूस करके मैं यहां पर 80 या फिर 90 मैं यहां पर पुट करूंगा इसकी स्ट्रेंथ को। समझ में आया आप लोग को मीनिंग, समझ में आया कि लॉन्ग ग्रिप हमारे पास कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारे पास हमारे ज्वाइंट में हमारे पास बोल्ट की स्ट्रेंथ को। तो यहां पर सिंस बेंडिंग स्ट्रेस भी यहां पर ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रेंथ जो थी बोल्ट की, उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर रिड्यूस कर देंगे, उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, उसको हम यहां पर रिड्यूस कर देंगे। अब रिडक्शन कितना करना है, तो अकॉर्डिंग टू कोड हम यहां पर रिडक्शन कितना कर देंगे, बीटा एल जी विल बी इक्वल्स टू, बीटा एल जी विल बी इक्वल्स टू 8D अपॉन एल जी प्लस 3D के बराबर हम यहां पर क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कोड ने दे के रखा है कि आप यहां पर इतना क्या कर लीजिएगा, आप यहां पर इसको रिड्यूस कर लीजिएगा। कब? जब हमारे पास एल जी जो है हमारे पास LG हमारे पास 5D से जब हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है, LG हमारे पास 5D से जब हमारे पास बड़ा होगा, तब हम यहां पर क्या करेंगे, बीटा LG की वैल्यू हम ये वाली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
बताइए सब लोग को समझ में आया क्या? यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा था आप लोग को, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर समझ में आई क्या? लॉन्ग ग्रिप हम यहाँ पर कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जितना ज्यादा हमारे पास ग्रिप हो रहा है उतनी ज्यादा एसेंट्रिसिटी बन रही है, उसके कारण क्या हो रहा है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस वहां पर क्या हो रहे हैं हमारे पास डेवलप हो रहे हैं। तो सब लोग को समझ में आया कि यहाँ पर रिडक्शन हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग समझ में आया सबको यहाँ पर कि हम यहाँ पर रिडक्शन क्यों कर रहे हैं लॉन्ग ग्रिप के लिए? किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा। आप लोगों को सबको क्लियर है? ये बीटा एलजी की हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है? ये हमारे पास बीटा एलजी की हमारे पास क्या है यहां पर वैल्यू कितना, 8d अपॉन LG प्लस 3D। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा LG शुड बी ग्रेटर देन 8D, सॉरी 5D। अगर 5D से अगर बड़ा होगा तभी, अगर यहाँ पर अगर 5D से अगर बड़ा होगा तभी हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू, रिडक्शन है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में आनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा 0.7, 0.8, 0.9, 0.98 ऐसे टाइप की आनी चाहिए, कभी 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना करवाना हम यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास सेकेंड टाइप का रिडक्शन। थर्ड टाइप के रिडक्शन के बारे में बात किया, तो थर्ड रिडक्शन कौन सा हमारे पास? थर्ड रिडक्शन है हमारे पास बीटा ऑफ पी के, है ना? मतलब ड्यू टू पैकिंग प्लेट। ड्यू टू क्या हमारे पास? पैकिंग, ड्यू टू पैकिंग प्लेट। अब मीनिंग क्या पैकिंग प्लेट की, उसके बारे में यहाँ पर समझिएगा, उसके बारे में आप यहाँ पर समझिएगा क्यों हम यहाँ पर स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर रिड्यूस करवाना चाहते हैं, क्यों हम यहाँ पर स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर रिड्यूस करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है जिसकी थिकनेस है मेरे पास ऐसी, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी थिकनेस है इसकी, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज T1 की हमारे पास थिकनेस है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पर मैं एक छोटी प्लेट एक और है जिसको मैं बट जॉइंट से यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, जिसको मैं बट जॉइंट से यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ, मैं बट जॉइंट से क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ T2 को। इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास? दिस इज T2। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बट जॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बट जॉइंट के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कवर प्लेट चाहिए रहेगा, है ना? बट जॉइंट के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास कवर प्लेट चाहिए रहेगा। तो देखो नीचे कवर प्लेट लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीचे में कवर प्लेट लगाने में कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। अगर मैं डबल कवर बट जॉइंट अगर मैं देना चाहता हूं तो नीचे आप यहां पर लगा लेंगे, कवर प्लेट यहां पर मैंने लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर ऊपर में अगर मैं कवर प्लेट अगर मैं लगाना चाहूं, अगर मैं यहां पर ऊपर में अगर मैं कवर प्लेट लगाना चाहूं तो यहां पर ना गैप आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास गैप आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कवर ज्वाइंट अगर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर गैप हमें देखने को मिलेगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर एक एडिशनल हम यहाँ पर एक प्लेट प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम क्या है हमारे पास, जिसका नाम होता है हमारे पास पैकिंग प्लेट। इस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर एक एडिशनल हम यहाँ पर एक प्लेट को फिल करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट पैकिंग प्लेट, दिस इज नथिंग बट पैकिंग प्लेट, ठीक है? दिस इज नथिंग बट पैकिंग प्लेट। बट अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पर बोल रहा हूं दिस इज हमारे पास पी का हमारे पास क्या हो रहा है फोर्स, और इसका आप यहां पर देखेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन है फर्स्ट वाली प्लेट का, सेकेंड वाली का हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास थोड़ा नीचे है, सेकेंड वाली का हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास थोड़ा सा नीचे है। मैं बोल रहा हूँ पी यहाँ पर थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी में क्या हो गया, यहाँ पर बिल्ड हो गया, थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी में क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास बिल्ट हो गया। अगेन यहाँ पर एसेंट्रिसिटी आ गई, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर चेंज हो गया फोर्स का, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर डेवलप होगा। अगेन यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डेवलप होगा। जितना ज्यादा पैकिंग प्लेट की थिकनेस होगी, अगर पैकिंग प्लेट की थिकनेस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए हमारे पास मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पैकिंग प्लेट की थिकनेस मान लीजिए इतनी हो जाती, और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या होता, इसके नीचे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वाली प्लेट इसके नीचे मैं यहाँ पर लगाता, तो बेसिकली होता क्या यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास अगेन जो पी जो लगता, अब यहाँ पर हमारे पास ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती। तो मैं बोल रहा हूँ जितना ज्यादा हमारे पास थिकनेस होगी पैकिंग प्लेट की, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी आएगी, और जितनी एसेंट्रिसिटी आएगी उतना ही क्या होगा यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या है हमारे पास
डिफरेंट है. अब बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर डेवलप हो गया, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास बियरिंग शियरिंग के साथ यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या हो गया यहाँ पर डेवलप हो गया, मतलब मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मुझे उसकी कम करनी पड़ेगी. अब पैकिंग प्लेट के लिए अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो पैकिंग प्लेट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बीटा पीके के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो बीटा पीके का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा. पैकिंग प्लेट के लिए हमारे पास जो रिडक्शन है वो होता है हमारे पास 1 माइनस पॉइंट 0125 थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट के बराबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा. और मैं बोल रहा हूँ ये जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मैं बोल रहा हूँ ये जो वैल्यू है हमारे पास इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1. हमेशा याद रखिएगा ये हम कब यूज करेंगे, जब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास थिकनेस ऑफ, जब हमारे पास थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट शुड बी क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन होगा हमारे पास 6 mm, शुड बी ग्रेटर देन होगा हमारे पास 6 mm, तब हम यहाँ पर ये रिडक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, तब हम यहाँ पर ये वाला रिडक्शन हम क्या करेंगे वहां पर हम यूज करेंगे. ठीक है, तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास शियरिंग कंडीशन के लिए शियरिंग स्ट्रेंथ हम यहाँ पर देखना चाहते हैं बोल्ट का, हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट का अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो VDSB का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, दैट विल बी FUB बाय रूट 3 इंटू गामा MB इंटू NNANB प्लस NSASB इंटू कितना हमारे पास βLJ इंटू βLG इंटू βPK इंटू βPK. तो ये था हमारे पास फॉर्मूला. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला है किसके लिए हमारे पास, शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए. ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए था हमारे पास, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर शियरिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, शियरिंग स्ट्रेंथ का हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला था. तो फाइनली अगर बात करूं तो रिडक्शन फैक्टर्स का मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मुलेस मैंने यहाँ पर लिखवा दिए. सबसे पहले क्या था हमारे पास βLJ, βLJ का फॉर्मूला क्या हमारे पास 1.075 माइनस LG अपॉन 200D, 1.075 माइनस LG अपॉन 200D. सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं βLG के बारे में बात करूं ग्रिप लेंथ की, तो ये कितना हमारे पास, दिस इज 8D अपॉन LG प्लस 3D. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन दी अदर टू, है ना. पैकिंग प्लेट से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है. बीटा पीके का हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आएगा, 1 माइनस पॉइंट 0125 थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट. याद रखिए कब यूज करना हमें, जब थिकनेस हमारे पास 6 mm से ज्यादा होगी, जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 mm से यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में हम यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर हम वहां पर क्या करेंगे यूज करेंगे. ठीक है, एंड फाइनली आप क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूले से आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप यहाँ पर निकाल लेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप यहाँ पर क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे. सबको आया भाई समझ में, यहां पर सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया. शियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, तो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है एक बार बता दीजिए मुझे, किसी कोई डाउट है. क्लियर है यहां तक, ठीक है. तो यहां पर अभी के लिए फिर इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे और बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, वहां पर हम बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम वहां पर कंप्लीट करके प्रॉपर वे से हम वहां पर बात करेंगे, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने हैं. दूसरी चीज हम यहाँ पर एक और चीज इसके अंदर बात करनी, क्या अभी तक मैंने जो भी कंडीशन लिया मैक्सिमम जगह मैंने हर जगह कौन से टाइप की ज्वाइंट बनाया, मैंने लैप ज्वाइंट ही बनाया, मैंने हर जगह मैक्सिमम जगह मैंने यहाँ पर लैप ज्वाइंट के बारे में बात किया. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा बट जॉइंट में हमारे पास डबल कवर और सिंगल कवर में भी हम वहां पर कैसे कंडीशंस को हम वहां पर लेके क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना बोल्ट के लिए. ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अपन इतना ही रोकते हैं यहाँ पर.
फिर बाकी का मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट लोग, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है 12 मंथ्स का। अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान लोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको 4 मंथ्स का आपको यहाँ पर फ्री आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मोड आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। 12 मंथ्स का अगर आप यहाँ पर लेंगे तो आप यहाँ पर 4 मंथ्स का आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको फ्री मिल जाएगा आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान। और बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 17th को क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास आपको देखने को मिलेगा कॉम्बैट, ठीक है। 17th को 11 बजे कॉम्बैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सब लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बिल्कुल मेरी स्पेशल क्लास में सब लोग यहाँ पर फॉलो कर लेना, ठीक है। सब लोग स्पेशल क्लास में फॉलो कर लीजिएगा मुझे मेरी प्रोफाइल में जाके। कल भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर सेशन लेंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास में, और पूरा हम स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे लेवल पे, और प्रीवियस ईयर तो हम वहाँ पर सॉल्व करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए फिर सब लोग यहाँ पर सेशन, यहाँ पर चैनल को आप सभी लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलना मत, याद से सब्सक्राइब कर देना। और जब भी आते हो और वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, है ना। काफी कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है पढ़ाने में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग कंसिडर करिएगा। फ्री में बस पढ़ के बस चले जाएगा, अपने साइड से थोड़ा बहुत जो भी काम है शेयर करने का और लाइक वगैरह करने का, ये सब आप लोग अपने एंड से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम वहां पर आगे का हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।